हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। और अभी मैं इस समय यहाँ पे हूँ, यहाँ गोपीगंज का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ दुर्गा माता का मंदिर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। और ये देखिए पीछे मंदिर है, तो चलिए ब्लॉगिंग वीडियो स्टार्ट। हाँ तो गाइस देखिए, यह मंदिर है और मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत बड़ा, ये भदोही जिला का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर पहला स्थान पे आता है और दूसरा स्थान पे इस समय द्वारिकापुर में मंदिर बना हुआ है जो कि शिव मंदिर है। वहाँ पे भी मैं आपको बहुत जल्दी लेके चलूंगा। वो मंदिर भी बहुत बड़ा है, पर ये मंदिर उस मंदिर से भी बहुत ज्यादा बड़ा है क्योंकि, और बहुत प्राचीन मंदिर भी है। और आप देख सकते हैं यहाँ का ऊपर का गुम्बद कितना ऊपर है जो है, और कलश देखिए कितना ऊपर बैठाया गया है। तो आइए आपको मंदिर का पूरा लोकेशन दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए छोटी छोटी मंदिरें और भी बनी हैं। और देखिए जो है यहाँ पे राधा कृष्ण का ये सामने मंदिर है। और आप आ सकते हैं गोपीगंज मेन चौराहे से, आपको छोटा चौराहा पूछ के आप आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए माला फूल यहाँ पे आप ले सकते हैं। और ये गेट है सामने, और वही सामने सड़क है जहाँ से आप आ सकते हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर का नज़ारा। और देखिए जो है यहाँ पे नज़ारा इस प्रकार है, तो जैसा आप देख सकते हैं जो है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पूजा होता है, काकड़ का वृक्ष है जो कि काकड़ कहते हैं। शनिवार के दिन एक काला कपड़ा भी लगाया गया है, परिक्रमा मार्ग इस प्रकार है। और सामने देख सकते हैं जो है कितना अच्छा यहाँ पे सजावट किया गया है, सब सगर मरमर से बनाया गया है मंदिर है। और चलिए अंदर लेके चलते हैं आपको। और ये प्रवेश द्वार है देखिए दोस्तों, और यहाँ से ही हम आपको अंदर लेके चलते हैं। तो जैसा आप लोगों ने अंदर का नज़ारा देखा, और यहाँ पे देखिए शंकर भगवान का तस्वीर भी लगाया गया है। तो मंदिर तो बहुत भव्य है मित्रों, और जैसा लोग कहते हैं भक्ति कर्म के अनुसार सभी को फल मिलता है, कर्म अच्छा होना चाहिए, सबसे बड़ा कर्म ही प्रधान होता है। और मंदिर तो बहुत अच्छा है, यहाँ गोपीगंज का मंदिर है। कर्म अगर आपका अच्छा नहीं है तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका भक्ति भी व्यर्थ है। तो सबसे बड़ा, और सामने देखिए बजरंगबली का जो है मंदिर है। और यथाशक्ति तथा भक्ति, अगर आप इस स्थान पे आना चाहते तो आप जरूर आइएगा, बहुत अच्छा जगह है, बहुत बड़ा मंदिर भी है। हाँ तो गाइस आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। या अगर आप भदोही जिला के गोपीगंज के रहने वाले हैं तब तो इस मंदिर के बारे में आप जानते होंगे। और अगर आप भदोही जिला कहीं अन्य स्थान के हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यहां आना चाहते हैं तो गोपीगंज में छोटा चौराहा पूछ के आप इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।